अरमान मेरे। संध्या बंदन माने प्राण श्वास का अभ्यास करोगे तो तुम्हारा जीवन ठीक रहेगा। यहाँ भगवान श्री ने शिव धनुष को तोड़कर भगवती सीता के साथ में विवाह कर परशुराम के मान का मर्दन किया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। चारों भाइयों का विवाह हुआ परीक्षित, और फिर यहाँ अयोध्या में बारात आई बड़ी खुशी के साथ में। दिन ऐसे ही व्यतीत होते गए, 12 वर्ष का समय गुजर गया। सीता जी का जब विवाह हुआ था 18 वर्ष की थी, 12 साल व्यतीत हो गए, 18 वर्ष की हो गई, तब 6 साल की थी सीता जी, अब 18 की हो गई। राम जी 15 के थे, अब 27 के हो गए। यहाँ दशरथ जी ने राम जी के राज तिलक का मुहूर्त वशिष्ठ जी से निकलवाया सवेरे के लिए। देवताओं में खलबली मच गई। देवताओं ने कहा कि अगर राम जी का वनवास नहीं हुआ तो राक्षस कैसे मरेंगे। तो उन्होंने सरस्वती को भेजकर कहा कि तू कैसे भी करके इस काम को गड़बड़ कर दे। सरस्वती ने कहा कि राम के यहाँ कैसे गड़बड़ हो जाए। सब देवताओं का मंथन हुआ है कि ये काम गड़बड़ कर सकती केवल एक केकई, क्योंकि दशरथ केकई की बात को मानते हैं और ये काम, लेकिन केकई तो राम को बहुत प्यार करती है। केकई राम जी के लिए रोज दुआ मांगती थी, देवी देवताओं का भजन करती थी और कहती थी मेरा राम जिस दिन राजा बनेगा उस दिन मैं बहुत खुश होगी। राम के लिए राजगद्दी मांगती थी केकई, भरत के लिए नहीं। तो केकई की बुद्धि कैसे पलटेगी? क्या केकई की बुद्धि पलटने के लिए मंत्रा की बुद्धि पलटनी चाहिए? क्योंकि मंत्रा की बात, हर बात केकई मानती थी आंख मूंद कर। केकई और मंत्रा ये दोनों संकी थी, इन बहुत बुद्धिमान थी। मंत्रा का अर्थ होता मंथर, माने किसी बात को मंथन करके कहना, हर तरह से उस बात को टटोल लेना, देख लेना, तब उस बात को कहना, उसको कहते मंत्रा, गंभीर बुद्धि वाली। ऐसी बात करती जो हमेशा सही होती। मंत्रा की बुद्धि अगर फिर जाए तो मंत्रा केकई की बुद्धि फेर दे और फिर केकई सारे बात कोई फेर दे। मंत्रा की बुद्धि फेर दी। अब मंत्रा रात को पहुंची केकई के पास, कहने लगी क्यों रही तू सो रही है क्या? कुछ पता है तुझे क्या? पागल है? अरे सवेरे राम का राज तिलक होगा। राम का राज तिलक? हाँ सच कह रही है। अरे और क्या, तू तो पागल है। राम राजा बनेगा, कौशल्या राजमाता बनेगी, तेरी बेइज्जती होगी, भरत का अपमान होगा, तू पागल है। अरे राम का राज तिलक होगा, तू नहीं ये खुशी सुनाई है? मंत्रा कीमती हार केकई ने उसके लिए फेंक दिया, इस खुशी का ये उपहार। मंत्रा ने माथा फोड़ा, बहुत भोली है केकई, तू बहुत भोली है, ये तेरे साथ में गलत हो रहा है। बोले गलत नहीं हो रहा, मैं राम के लिए दुआ मांगती थी, आज वो सब सही हो रहा है। पगली, राम बहुत होशियार है, पवित्र नहीं, वो तेरे को ही अपनी मां से ज्यादा मानता था, इसलिए कि राजपाट में तू ही गड़बड़ी कर सकती है राज तिलक में। अब देख लेना जब राम राजा बन जाएगा, पहले से दिख रहा है, अब वो अपने राज तिलक की तैयारी कर रहा है, तुझे कहने क्यों नहीं आया इतनी खुशी की बात? अगर राम पवित्र होता तो तुझे सुनाने आता कि मां मैं सवेरे राजा बनूंगा, आया तो नहीं। सीता की कहती थी आई तो नहीं, उसे पता है। कौशल्या की कहती वो भी नहीं आई है, कहने की तैयारी चल रही है राज तिलक की, दुबक छुपक करके। केकई ने कहा तो कहां से बात कर रही है? कौशल्या, सीता, राम, ये तो मेरे जिंदगी है,
हाँ जिंदगी है, तभी तो तुझे बताने आ गए हैं कि राजतिलक होगा सवेरे, तैयारी कर ले। और एक बात सुनो, इनसे तेरी समझ में नहीं आ रही है, राजतिलक होता है जिंदगी में एक बार होता है, दुनिया के राजा महाराजा बुलाए जाते हैं, बड़ा शुभ समय होता है। इन्होंने तो तुझे भी नहीं बताया, तेरे बेटे भरत को भी नहीं बुलाया। ये बात केकई को माइंड कर गए, उनका इस बात में तो दम है, मंत्रा तेरी में। भरत से सुत पर भी संदेह बुलाया तक न उसे निज गए, कि मेरे पुत्र भरत को नहीं बुलाया, ये तो तेरी बात में दम है, अब तू बता मैं क्या करूं। मंत्रा ने कहा करेगी क्या, तेरे दो वरदान है ना तेरे पति पे। हाँ हाँ, अरे कोप भवन में जाकर के मांग ले, हटना मत पीछे चाहे कुछ भी हो। ठीक, अब मैं यही करूं। और केकई ने वही किया जो मंत्रा ने कह दिया था। केकई किसको कहते हैं, केकई मोर को कहते हैं। और केकई बहुत सुंदर थी, बहुत अंग प्रत्यंग बहुत सुंदर थे, मोर बहुत सुंदर होता है, लेकिन मोर के पांव बड़े रफ टफ और खतरनाक होते हैं, है ना, पांव माने चलना। केकई जो स्टैंप लेती थी वो बड़ा खतरनाक होता था भाई, वैसे बहुत भोली थी, मासूम थी, लेकिन कोई स्टैंप ले लिया तो खतरनाक ही होता था, रफ टफ। खरे रामा खरे रामा 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 खरे खरे बात और होती है। केकी जो मोर होता है सांप को खाता है, जहरीली चीजों को खाता है, विषय विष को खाता है, है ना, विष। और ये जो संसार के विषय हैं, विषय का मतलब विषय माने विष के समान है, जो यमीस जो जो विष के समान है उनको विषय कहते हैं। विषय क्या है साहब, राज पाठ भोग, ये जो भोग बिलास है यही विषय है, उसको केकई खा गई, सांप को खा गई, जहर को खा गई और पचा गई पूरे को। किसके लिए, देव कार्य के लिए, देव माने पवित्र काम करने के लिए। हम पवित्र काम कब कर सकते हैं, जब हम भोग वासना को डकार जाएंगे, खा जाएंगे। अगर हम भोग और स्वाद को लेकर के ही काम कर रहे हैं, पवित्र काम नहीं होगा, गंदा काम होगा। तो केकई राम की माँ है, भरत की माँ है, उनके यहां भोग वासना का मतलब क्या, उनके यहां तो दिव्य कार्य। दिव्य कार्य क्या है, धर्मति विरति योग ते ज्ञाना, धर्म ही सबसे पवित्र कार्य है। तो केकई तो पवित्र कार्य कर रही है। हम धर्म को छोड़ देते हैं भोग के और आराम के पीछे, और पवित्र जिंदगी का मनुष्य का कर्म क्या होता है, जब भोग को और स्वाद को छोड़ देते हैं। जब रात को 4 बजे जगना चाहिए लेकिन कितनी सुंदर नींद लगती है, उसको छोड़ोगे ना तब पवित्र कार्य करोगे। और सूरज निकलना तुम सोए रहे, ऊंग रहे, मौज ले रहे, मस्ती ले रहे, जिंदगी में जहर घोल रहे हो, जहर। केकई कहती है जहर खत्म करो,
जहर को खत्म करो, लात मारो, पियो मत, बर्बाद कर देगा। हम अब भल्ला खाते हो, अब भल्ला खाने से क्या होता है, बीमारियां होती हैं। स्वाद है, जहर को खा रहे हो स्वाद में, भल्ला नहीं खा रहे हो, जहर खा रहे हो जहर। और भी बहुत सी चीजें हैं, चिल्ली है, चिल्ली शराब है, बियर है। चिल्ली क्या है, शराब क्या है, जहर है। पी रहे हो, जहर को पी रहे हो, अमृत को गंवा रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। क्रोध, लड़ाई, झगड़ा, छल कपट, चुगली, बुराई, निंदा, दूसरे की बेइज्जती, अपमान, बड़ों की बात नहीं मानना, बड़ों की सेवा, ये सब जहर ही तो पी रहे हो तुम। केकई कहती है कि ये सब जहर खत्म हो जाएगा तब राम राज आएगा, नहीं तो तब तक क्या है, राक्षस राज। राक्षस किसको कहते हैं, वयम रक्षम, खुद ही खुदा। मैं ये कर दूंगा, मैं वे कर दूंगा, मैंने ये किया, मैं को लेकर के जो पूजा की जाती है, मैं की जो पढ़ाई है, यही राक्षस राज है, यही रावण राज है, यही राक्षस राज्य है। इसको गिराने के लिए जहर छोड़ना पड़ेगा। जो चीज हमें नुकसान करती है, लात मार दो, घिसट करके मत छोड़ो, एकदम छोड़ दो, डिनाई डिनाई, नॉकआउट नॉकआउट। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, तब राक्षसों का राज्य खत्म होगा। राक्षसों के खिलाफ बिगुल बजा दिया केकई माने। ये है विषय वासना जो हमारे स्वास्थ्य को खराब करते, उन चीजों को छोड़ दो, चिकना चपड़ा मीठा नमकीन, ये वो दुनिया भर की क्या है, इसमें केवल जीव का थोड़ी सी देर का स्वाद है, जीव के अगले हिस्से पर रखा जाएगा तब तक स्वाद है, भीतर गया गड़बड़ सड़बड़, फिर कोई स्वाद नहीं। ये केकई कहते हैं छोड़ दो, ऐसे लात मार दो, किसके कहने पर, मंथरा। ये बहुत ही मंथन करी हुई बात है, माने मेरी बात नहीं है, ऋषि मुनि साधु महात्मा ज्ञानी ध्यानी शास्त्र वेद इनकी इनकी मंथरा की बात है ये। तो राम जी ने यहां दशरथ ने सुना, जान निकल गई, बहुत मनाया, केकई नहीं माने। फिर राम जी ने सुना, सादर चल दिए, वस्त्र उतार कर सीता लक्ष्मण साथ गए, सुबंत उनको गंगा किनारे छोड़ करके आए। राम जी फिर वहां से केवट से नाम लेकर चित्रकूट पर पहुंचे। यहाँ सुमंत ने कहा, दशरथ ने प्राण त्याग कर दिए, भरत शत्रुघ्न को बुलाया गया नंसाल से, उनको मालूम पड़ी, माँ को बहुत बुरा भला कहा भरत ने। फिर पिता का अंतिम संस्कार किया, प्रेत आदि कर्म किए, राम जी के लिए राजगद्दी को ठुकरा दिया, लेने के लिए चित्रकूट पहुंचे। माताएं गई हैं, विश्वामित्र वशिष्ठ गुरुदेव गणमान्य विशिष्ट व्यक्ति गए हैं, उधर से जनक भी आए हैं। राम जी ने फिर पंचायत हुई, और पंचायत में राम ने एक ही बात रखी कि हम आपकी इस भावना की इज्जत करते हैं, हम आपके जज्बात की कद्र करते हैं, लेकिन भरत मैं तुम्हारे ऊपर ही छोड़ता हूं, एक तरफ कर्तव्य है एक तरफ अधिकार है, तू कर्तव्य मनुष्य को करना चाहिए या अधिकार को पकड़ करके जीवन को बर्बाद करना चाहिए। अधिकार को तो जानवर भी पकड़ लेते हैं, बंदर को कोई तुम भोजन दे तो छोड़ेगा नहीं, अधिकार में उसके नहीं, तो जानवर के अधिकार में कोई चीज पड़ जाए तो छोड़ता नहीं है। मनुष्य वो है जो कर्तव्य को नहीं छोड़ता, अधिकार को छोड़ देता है। इसको बलिदान कहते हैं, इसको त्याग कहते हैं, इसको धर्म कहते हैं, इसको कर्म कहते हैं, इसको फर्ज कहते हैं। तो आप फर्ज को पकड़ोगे तब संसार में आपका जीवन धन्य होगा, या आप अधिकार को पकड़ोगे तब। राजगद्दी मैं मानता हूं अधिकार हो सकती है,
पिता की संपत्ति अधिकार हो सकती है, हमने जो सर्विस करी है उसकी पे, उसकी जो बिजनेस किया उसका प्रॉफिट, जो भी हम कमाते हैं, जो भी हमारी पैतृक है, जो भी हमारे अधिकार में है, इस अधिकार को पकड़ करके रहना कोई इसमें स्वाभिमान नहीं है मेरे भाई। क्या स्वाभिमान है इसमें? कुछ नहीं। स्वाभिमान तो वही है जहां आदमी अपने कर्तव्य को पकड़ करके आगे चल जाता है। तुम बताओ कि फर्ज पकड़ूं या अधिकार को पकड़ूं? भरत खो गए इस बात में। राम जी ने समझ लिया कि भरत मजबूर है। फिर उन्होंने आगे कहा, मेरे भाई मैं तुम्हारी इस भावना की बहुत कदर करता हूं, क्योंकि भाई भाई को मार देता संपत्ति के पीछे, माँ बेटे को मार देती है संपत्ति के पीछे, बेटा माँ को मार देता है, गुरु चेले को मार देता है, चेला गुरु को मार देता है। लेकिन मेरे भाई तुमने भाई के रिश्ते के लिए संपत्ति को लात मार दी। भरत तुम जैसा भाई संसार में हो तो फिर तो राम ही राजा है, राम ही राजा है भैया। लेकिन जज्बात, भावना, मन की इच्छाएं, ये तो ये भी कहती हैं कि जिसको हम प्यार करते हैं उसके लिए चांद को तोड़ करके जमीन पर ले आए, जिसको हम प्यार करते हैं उसके लिए सितारों को तोड़कर जमीन पर ले आए, जिसको हम प्यार करते हैं उसके लिए धरती आसमान एक कर दूं। ये जज्बात है, क्या इसको पूरा किया जा सकता है? भरत कहते हैं नहीं। क्या इसको पूरा करने की सोचने से कोई समझदारी की बात होगी? कि नहीं। तो मैं आपकी भावना को समझता हूं, मुझे लौट के चलना चाहिए, लेकिन क्या लौट करके जाया जा सकता है? और जाया जा सकता है तो क्या ये जायज है? अगर पिता की राजा की आज्ञा हमारे लिए वनवास के, हम उस पिता की राजा की आज्ञा को नहीं मानेंगे तो समाज में संसार में हमसे लोग क्या कहेंगे? ये जो लोग आज मेरे वनवास में देख करके रो रहे हैं ना, मैं तुमसे कहता हूं अभी मुझे हाँ कहने दो, तुम्हारी बात में इन लोगों की सिंपैथी खत्म हो जाएगी। कह रहे अरे ये तो राम नौटंकी कर रहा था। इसलिए नौटंकी थी कि केकई अपने भरत को कहीं राजा के लिए बनाने पर अड़ नहीं जाए, और ये अड़ गई तो पब्लिक इसके साथ नहीं हो जाए। पब्लिक की सिंपैथी लेने के लिए राम ने ये नाटक किया है वनवास जाने का। ये तो तैयार बैठा था राजा के होने के लिए। मेरे भाई ये दुनिया बहुत विचित्र है, ये दिल बहुत विचित्र है, ये दिमाग बहुत विचित्र है। मैं सोचता हूं, मैं समझता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि क्षीर समुद्र में, दूध के समुद्र में खटाई डालने से फट सकता है, लेकिन मेरे भरत का दिल नहीं फटेगा, कभी नहीं। जो नगात जग जन्म भरत करत को भैया। हम कभी कभी भाव के आवेश में कोई अच्छी बात कह जाते हैं, लेकिन दिमाग शैतान है, हमारे कभी भले काम के किए हुए को दिमाग जिंदगी को बर्बाद कर दे। अरे मैंने ये क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, है ना। मन बहुत मायावी है, दिमाग बहुत मायावी है, जिंदगी बहुत खतरनाक अंधेरी रात की तरह से अनजान होती है मेरे भाई। इसलिए कर्तव्य को ही पकड़ना महापुरुषों की जीवन की सबसे बड़ी विशिष्टता होती है। उस कर्तव्य के पीछे हमारे पिता श्री ने अपने प्राण त्याग दिए, तीनों माताएं विधवा हो गई, सारी अयोध्या अनाथ हो गई, हम 3 के 13 हो गए, सबका सब राजपाट वनवास में बदल गया, सब खुशियां रोने में बदल गई। इस वचन के पीछे, इस कर्तव्य पालन के पीछे, रघुकुल रीति
रघुकुल रीति सदा चले आई। रघुकुल भरत मजबूर हो गए थे, सब तरह से मजबूर हो गए थे। उन्होंने कहा मेरे लिए आज्ञा। भगवान ने कहा तुम ये चरण खड़ाओ अयोध्या की गद्दी पर रखकर के देखभाल करना राजपाट के, 14 वर्ष के बाद मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। भरत ने कहा भैया 14 वर्ष व्यतीत होने के बाद पहले दिन ही अगर आप नहीं मिले, भरत आपको जीवित नहीं मिलेगा। बहुत दुखी और भावुक मजबूर भरत राम की चरण खड़ाओं को सर पर धारण करके लौट आया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। क्योंकि भक्ति जो होती है जज्बात से नहीं चलती है भाई। लोग भजन करते हैं बड़े जज्बात, मैंने ऐसा करूंगा वैसा करूंगा ये करूंगा वो करूंगा, ये गप सप और एडवांस नहीं चलती है। सब कुछ खत्म कर दिया जाता है तब भक्ति होती है। और तुम जज्बात लेकर के चल रहे हो कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये भक्ति नहीं है। तो भरत ने यहाँ चरण खड़ाऊ को रखा। एक नंदी गाय थी, उसके गोबर में से अन्न के दाने बीन करके अपने लिए एक समय पर भोजन बनाते, अपने हाथ से काता हुआ सूत का कपड़ा पहनते, झोंपड़ी बनाई जहाँ राजधानी थी वहाँ से 5 किलोमीटर दूर नंदी गांव, वहाँ रहते थे। न रात को सोना न दिन को सोना, बस वीरासन पर बैठे हुए धनुष बाण को राम की संपत्ति समझ करके रक्षा करते थे। इधर राम जी बहुत वर्षों तक चित्रकूट पर रहे परीक्षित, और फिर वो वहां से पंचवटी पर आए। यहाँ रावण की बहन थी शूर्पणखा, बड़ी विचित्र लड़की थी। इसने अपनी मर्जी से लव मैरिज करी थी एक जंगली आदमी से। रावण ने बहुत मना किया, नहीं मानी। कुंभकर्ण ने मना किया, नहीं मानी। विभीषण ने मना किया, नहीं मानी। और फिर जब वो रावण के हाथ से मर गया शिकार में एक बार, तो उसके साथ जलने मरने को तैयार। रावण कुंभकर्ण विभीषण तीनों ने हाथ जोड़े कि ऐसे ही हमारी बेइज्जती होगी, तू इसके साथ जल करके मर गई तो मुंह दिखाने नायक नहीं रहेंगे, तू यहाँ के गवर्नर है मालकिन है, जिसके साथ तू जैसे चाहे वैसे हम तेरी शादी करा देंगे, जैसे चाहे तू वैसे रहे, हम तेरी सब आज्ञा में रहेंगे। तब वो वहां की गवर्नर थी वो लड़की, पंचवटी LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, इसको जनस्थान कहते हैं। यहाँ से आर्यों की और राक्षसों की सीमा लगती है, जैसे भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर। तो जैसे पाकिस्तान बॉर्डर पर आतंकवाद उग्रवाद किया करता है, ऐसे ही राक्षस यहाँ पर आतंकवाद उग्रवाद किया करते थे, यहाँ पर छापामारी किया करते थे, खतरा पैदा किया करते थे। तो यहाँ स्थान पर कोई आता नहीं था कोई आर्य। राम जी ने यहीं पर अपनी कुटिया बना करके ये संदेश दिया कि हम राक्षसों के लिए चैलेंज हैं। जब ये बात सुनी, क्योंकि वो नेता थी शूर्पणखा, उसने सोचा कि यहां आज तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ी और राम ने यहीं कुटिया बनाई, तो ये तो हो सकता है रावण के लिए चैलेंज है। रावण को मार दे, मुझे अपनी पत्नी बना ले, तो फिर क्या जिंदगी में 4 चांद लग जाए। राजनीति में कोई किसी का नहीं होता, राजनेता किसी के नहीं होते। तो और उसने यही प्लान बनाया, सज संवर करके चली गई। एक तरफ राजनीति के चकाचौंध, एक तरफ
सदाचार पूर्वक धर्म पालन, सदाचार पूर्वक राजगद्दी को हासिल करना, एक छल कपट से हासिल करना। जो छल कपट से गद्दी हासिल की जाती है वो नाश करती है, और धर्म पूर्वक जो चीज हासिल होती है वो विकास करती है। राजगद्दी तो मिल जाती है छल कपट से, लेकिन नाश करेगी भाई एक दिन। धर्म पूर्वक मिलिए, विकास करेगी। बस राम जी ने कहा ये तो चरित्रहीन लड़की है, जंगल में अकेली डोल रही है, खुल करके सौदेबाजी कर रही है, खुल करके हंस रही है, पति नहीं है, सच समर करके डोल रही है जंगल में परपुरुषों के साथ अकेली। चरित्रहीन स्त्रियां खुद ही बर्बाद का वजह होती हैं, दूसरे को क्या देंगे। ये खुद ही अपने जीवन को आग लगा करके आई, मेरे जीवन को कहां श्रृंगारित करेगी। ये अपने खानदान की नाक कटा करके आई, हमारे खानदान की कौन सी नाक बचाएगी। ऐसी स्त्री से तो लड़ना भी खतरनाक है, और प्यार करना भी खतरनाक है, सौदा करना भी खतरनाक है। टालम टूल कर देनी चाहिए जैसे भी, और बीमारी को काट देना चाहिए। राम जी ने कहा ये भैया बीमारी है, उधर चली जाओ। लक्ष्मण ने कहा जब भगवान ने टाल दिया तो मैं भी टाल दूं, फुटबॉल बना दिया शूर्पणखा। राम कौन है? मर्यादा। लक्ष्मण कौन है? लक्ष्य। अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ये कर्म है। एक तरफ धर्म है लक्ष्य को प्राप्त करना, एक तरफ मर्यादा है मर्यादा पूर्वक। उसने कहा कि इसने दोनों ने अपने आप को क्या समझ रखा, मुझे क्या समझ रखा है। अरे मैं त्रिलोकपति रावण की बहन हूं, मेरे मारे रावण भी कांपता है, और इन्होंने मुझे फुटबॉल बना दिया। मैं इनको बताऊं इनकी औकात। दुष्ट आदमी अगर उसके मन की सी उरी तो मीठी मीठी बात करेगा, और दुष्ट आदमी के मन की सी बात नहीं तो एकदम खतरनाक रोल में उतर आई। राम जी ने इशारा किया, उसके नाक कान काट दिए, गई घर।